अब कल के बाजार पर क्या रहे स्ट्रेटजी, बाजार के लिए अहम संकेत कौन से होंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल समझते हैं अनिल जी से। कल का ट्रेडिंग सेशन बेहद अहमियत वाला होगा। मई सीरीज की वायदा कारोबार की एक्सपायरी और ये महीना अब तक बाजार के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा है, न सिर्फ दिग्गजों के लिहाज से बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के लिए भी, जहां पर भरपूर तेजी होती दिखे। हमारे बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स 80-85 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका में 3 दिनों की तेजी के बाद कल जो हल्का फुल्का ब्रेक लगा है वो ब्रेक फिर से हटेगा और एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल सकता है, ये उम्मीद तो बिल्कुल भारतीय बाजारों को है ही। लेकिन देखते कल कहां क्या कुछ एक्शन होता है, लेकिन बाजारों के लिए रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है और कल एक्सपायरी के लिए आज से 15,150 15,200 की 50 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 15,425 के आसपास लाइफ टाइम हाई पर जाने की कोशिश हो सकती है और एक बार उसको पार करने के बाद और खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना बनेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 34,400 मजबूत सपोर्ट है, असली कमजोरी इसी के नीचे देखने को मिलेगी। जब तक 34,400 बैंक निफ्टी होल्ड होता है तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं। ऊपरी स्तरों पर 35,200 रुकावट की जगह है, इसके पार होने के बाद बैंक निफ्टी और मजबूती और जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग दिखाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल ये 500 पॉइंट की रेंज है 34,500-35,000, इसका इंतजार कीजिए कि बैंक निफ्टी किस ओर बाहर निकलता है। लेकिन इन दोनों को अगर आप छोड़ भी दें तो फिर से कैश मार्केट के स्टॉक्स में कल भी भरपूर एक्शन रहने की संभावना है। नतीजों के लिहाज से बड़ा बिजी दिन कल भी रहने वाला है, वायदा कारोबार के भी और कैश मार्केट के भी ढेरों नतीजे आने वाले हैं, उसके दम पर आपको एक्शन दिखता हुआ नजर आएगा। लेकिन कल के सेशन में ये जरूर है कि दोनों तरफ के बड़े एक्शन के लिए आपको तैयार होना है। अगर ब्रेकआउट होना है, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग मिलनी है, तो इससे बढ़िया दिन कल हो नहीं सकता, जहां वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के दिन कुछ और शॉर्ट कवरिंग, कुछ और फ्रेश खरीदारी और ग्लोबल मार्केट्स का अगर सपोर्ट मिल जाए तो कहना ही क्या। तो एक ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन बन सकता है और लाइफ टाइम हाई न सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पर बल्कि इंट्राडे बेसिस पर भी कल आपको मिल सकती है, उसकी करनी चाहिए तैयारी। तो कल के बड़े दिन के लिए एक बार फिर से जुड़ जाइएगा हमारे साथ।